2020 आज हम मैथ में जीरो बोर्ड बना रहे हैं और ये आसान तरीका है किस तरह आप अपने आप जीरो बोर्ड बना सकते हैं। हम लकड़ी के माध्यम से जीरो बोर्ड बना रहे हैं जिसकी साइज कितनी है 12x14। हम 12x14 का एक लकड़ी का जीरो बोर्ड बना रहे हैं। बहुत आसान तरीका है जिससे आप भी अपने घर पर जीरो बोर्ड बना सकते हैं। ये हम जियो बोर्ड 11x11 इंच लंबाई और 11 इंच चौड़ाई एक वर्गाकार रूप में बना रहे हैं जिसमें एक एक इंच पर वर्गाकार 11 कीलें लगाई जाएंगी और आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक एक इंच पर निशान लगाकर जियो बोर्ड तैयार किया जाएगा। ये हम जियो बोर्ड 11x11 इंच लंबाई और 11 इंच चौड़ाई एक वर्गाकार रूप में बना रहे हैं जिसमें एक एक इंच पर वर्गाकार 11 कीलें लगाई जाएंगी और आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक एक इंच पर निशान लगाकर जियो बोर्ड तैयार किया जाएगा। देखिए इस तरह ये हमारा जियो बोर्ड तैयार हो गया और इस जियो बोर्ड में 2 किलो के बीच में हमने जो दूरी रखी है वो 1 इंच की रखी है और ये जियो बोर्ड में 11x11 वर्गाकार रूप में हमने किलो का इस्तेमाल किया गया। इस जियो बोर्ड से हम गणित की आकृतियाँ वर्ग आयत परिमाप त्रिभुज बना सकते हैं और उनका परिमाप और क्षेत्र हम दिखा सकते हैं। तो आसानी से हम इस जियो बोर्ड को कार्डबोर्ड की सहायता और किलो की सहायता से बना सकते हैं। धन्यवाद। और क्लासरूम में हम किस तरह से जियो बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे हम आपको अगले सेशन में दिखाएंगे। थैंक यू।